गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभिगक्त। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज फिर स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जो इतने दिन से कंफ्यूजन चल रहा था ना, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 50% एग्जाम अटैम्प्ट करना है, तो आप लोगों ने पूछा था क्या मत्स्य यूनिवर्सिटी का भी ऐसा होगा। बिल्कुल होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आराम से वीडियो में, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो भी दिक्कत की बात नहीं है, पूरा पढ़ के सुना दूंगी क्या लिखा है यहाँ क्या नहीं लिखा है। तो बस एक चीज़ समझ लो अभी स्टार्टिंग में कि 50% एग्जाम ही अटेम्प्ट करना है। खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं, देख लो आप लोग आराम से। RRBMU का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, दिनांक भी लिखा हुआ है 13 अप्रैल 2022। ठीक है, देखो पढ़ के बता देते हैं। अकादमिक परिषद की बैठक में परीक्षा 2022 संबंधित लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। विश्वविद्यालय में बुधवार को कुलपति प्रोजेपी यादव की अध्यक्षता में अकादमिक परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराए जाने वाले परीक्षा 2022 से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जिनमें प्रश्न पत्र में यूनिट की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों को अनुपातिक रूप से 50% ही हल करना होगा। मतलब आप लोगों को मैंने बताया था ना, अगर यूनिट फर्स्ट में मान लो 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा में, तो यूनिट का कोई चक्कर ही नहीं है। आप लोग यूनिट फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब हो गया 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना एक यूनिट में, तो दोनों क्वेश्चन कितने के हो गए 40 नंबर के। तो यानी कि आप एक यूनिट से ही 40 नंबर ला सकते हैं। और टोटल क्वेश्चन करने कितने नंबर के हैं, क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का, बोला ना अनुमातिक रूप से 50% ही हल करना होगा। 50 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व करना है, जौन सा क्वेश्चन उठा के मन करे उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, एक यूनिट से ही 40 नंबर आप लोगों के बन रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, यदि आप लोगों ने 2 यूनिट भी पढ़ ली ना, तो आप लोगों के नंबर कहीं नहीं जाने वाले। आगे पढ़ लीजिए एक बार। साथ ही एक प्रश्न पत्र हल करने के लिए अधिकतम समय 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, यदि एग्जामिनेशन का जो भी मार्क्स सिस्टम है आधा कर दिया, तो 3 घंटे की बजाय टाइम भी तो आधा करेंगे ना, 1.5 घंटे। ठीक है, तो 1.5 घंटे में आप लोगों ने 50 नंबर का पेपर पूरा करना है। स्नातक में जिस विषय में 2 से अधिक प्रश्न पत्र होते हैं, वहाँ प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र 1 दिन 1 पारी में 1.5-1.5 घंटे में तथा तृतीय प्रश्न पत्र 1.5 घंटे में अन्य दिवस में आयोजित कराया जाएगा। मतलब आप लोग मान लो UG के BSc के बच्चे हो, ठीक है, तो आप लोगों के पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, तो आप लोगों के वहाँ पर क्या होते हैं 3-3 पेपर होते हैं। तो 3 पेपर में से जो उसमें से 2 पेपर है फिजिक्स के, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फिजिक्स के, तो 2 पेपर जो हैं फिजिक्स के उसमें से आप लोगों को 1 दिन हो गए दोनों पेपर 1.5-1.5 घंटे के डिफरेंस में, और जो एक लास्ट बचा फिजिक्स का पेपर 3rd वो होगा नेक्स्ट डे। ठीक है, इस तरह से ही फिर मैथ का होगा 2 दिन में, कैसे 1 दिन में 2 पेपर हो जाएंगे मैथ के शुरू के, जो 3rd वाला पेपर होगा वो नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। परीक्षार्थियों को प्रथम प्रातःकालीन पारी का निर्धारित समय प्रथम प्रश्न पत्र का प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक है। जो आप लोगों का जैसे फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर 1 दिन में होंगे, तो देखो फर्स्ट पेपर होगा आप लोगों का 7 बजे से 8:30 बजे तक। ठीक है, इसी तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि दूसरा पेपर है वो होगा 8:40 से 10:10 तक। ठीक है, 8:40 से 10:10 तक होगा, यानी कि बीच में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का गैप मिलेगा दोनों पेपरों के बीच में। ठीक है, द्वितीय पारी का प्रश्न पत्र का समय 11 AM से 12:30 PM तथा द्वितीय प्रश्न पत्र का समय 12:40 से 2:30 PM तक। तृतीय पारी, देखो इसमें 3 पारी बनाइए, जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पर सिखाया था ना राजस्थान यूनिवर्सिटी का जब बताया था वहाँ पर, पता है क्लियरली लिखा था, यहाँ पर क्लियरली नहीं है। मैं आप लोगों को एक बार ब्लैक बोर्ड पर समझा देती हूँ, आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर देख लो एक बार, मैं एक बार आप लोगों को ये समझा देती हूँ किस तरह से है। जैसे आप लोग मान लीजिए प्रथम पारी में एग्जाम दे रहे हैं, अब ये कैसे पता रहेगा, सिंपल सा, जब आप लोगों के पास परमिशन लेटर आएगा उसमें लिखा होगा कि आपको कौन सी पारी में देना है पेपर। ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिए, बट ये समझ लीजिए बस, पहले भी देखो आज से पहले भी 3 पारियों में पेपर होते थे, सुबह हो गया, दोपहर में हो गया और शाम को हो गया। ठीक है, प्रथम द्वितीय और तृतीय, प्रथम पारी में पूरा 1 पेपर होता था, 1 पेपर होगा 3 घंटे का, 3 घंटे का 1 पेपर होगा बस। अब ये है आप लोगों का 3 घंटे में इन्होंने 2 पेपर निपटा दिए, 1.5-1.5 घंटे के रख के 2 पेपर निपटा दिए, समझ रहे हो कैसे होगा। मान लो प्रथम पारी
दो पेपर तो एक दिन होंगे और अगले दिन आप लोगों का तीसरा पेपर हो जाएगा, थर्ड पेपर जो होगा अगले दिन हो जाएगा, ठीक है। यानी एक दिन तो दो पेपर होंगे, अगले दिन एक पेपर होगा, समझ रहे हो। जैसा कि बीएससी में आप लोगों को होता है, मैंने बताया अभी फिजिक्स में तीन पेपर होते हैं, केमिस्ट्री में तीन है, मैथ में तीन है, तो दो एक दिन हो जाएंगे, अगला तीसरे दिन हो जाएगा, ठीक है। बस टाइमिंग देख लो, सुबह एक तो 7 बजे से 8:30 तक रहेगा, फिर बीच में 10 मिनट का गैप मिलेगा, उसमें आप लोगों को रूम से बाहर नहीं दिए जाना है, रूम से भी बाहर नहीं दिए जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। अगर आप लोगों का भी कहो नहीं हम तो चाहेंगे, आप लोगों के टीचर पे भी डिपेंड करता है भेजे कि नहीं भेजे, ठीक है। 10 मिनट का स्टूडेंट्स पूरा डिफरेंस है, आप 10 मिनट में अंदर भी आओगे बाहर भी जाओगे, आप लोगों ने कॉपी भी अगली फिल करनी है, फ्रंट का पेज रोल नंबर वगैरह सब चीज लिखनी भी है, तो आप लोगों को बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, सिर्फ ये पेपर कॉपी ली और दूसरी कॉपी पकड़ा दी, हाँ भैया इसको इतना भरना शुरू कर दो, 8:30 से फिर पेपर है, ठीक है, समझ गए। प्रथम पारी में दो पेपर हो जाएंगे, अब मान लो आप लोगों का द्वितीय पारी में दोपहर में मिला है मौका पेपर देने का, तो इस तरह से होंगे, फर्स्ट पेपर 11 बजे से 12:30 तक हो जाएगा, सेकंड पेपर 12:40 से 2:10 तक हो जाएगा, ठीक है, 12:40 से 2:10 हो गए 1.5 घंटा। अब मान लो शाम को पेपर देने का मौका मिला है आप लोगों को, सबसे अच्छा शिफ्ट हमें तो यही लगता है, हमारा हमेशा ये आता था थर्ड शिफ्ट, तृतीय पारी में हमारे हमेशा पेपर होते थे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया लगता था 3 से 6 का टाइम। अब 10 मिनट आप लोगों की यहाँ पर चली गई, इसीलिए 10 मिनट यहाँ बढ़ गई, नहीं तो एक पेपर होता था 3 से 6 से पूरा 3 घंटे का, ठीक है, 3 से 6 मिनट। तो फर्स्ट पेपर 3 बजे से 4:30 तक, सेकेंड पेपर हो जाएगा 4:40 से 6:10 तक, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब भी कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए, अब मुझे नहीं लगता कोई चीज रह रही है आपको बताने से, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा का भी क्लियर हो जाएगा, आप लोग आराम से पूरी वीडियो देखिए, ये भी क्लियर है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, बीएससी एमएससी की मैथमेटिक्स की क्लास आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिलती है, आप लोग एक बार जाके प्लीज चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट वगैरह आप लोगों का अगर कुछ काम का है तो आप लोगों के लिए ही फायदा है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, आप लोग आराम से देखिए, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, है ना, जो भी डेट एक्सटेंड हुई है, मत्स्य यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स का भी नोटिफिकेशन उसमें दिया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए देखिए आगे प्रायोगिक परीक्षाओं का क्या है, अब क्लियर है आप लोगों का पारी वगैरह का क्या है सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जब आप लोगों के पास एडमिशन वो सॉरी परमिशन लेटर आएगा ना, वहाँ पर सब लिखा होगा कौन सी पारी में आपका पेपर है, इसकी बात की टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आगे देख लो प्रैक्टिकल वाले पेपर के लिए क्या लिखा है, प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में स्नातक तृतीय वर्ष स्नातकोत्तर के परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड फाइल संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाई जानी अनिवार्य है, तथा रिकॉर्ड फाइल के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। ये चीज़ का मतलब क्या है, आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ नहीं होने वाले, जो भी आपने पूरे साल में फाइल बनाई है, अपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं ना, प्रैक्टिकल करे हैं, मतलब समझने की बात ऐसी है, सीधी सीधी सी टीचर की नज़र में बहुत बढ़िया है, आप लोग आराम से आप लोगों ने फाइल वाइल सब अच्छे से तैयार करके रखी है, तो आप लोगों के कोई आप लोगों के एग्जाम नहीं होने वाला प्रैक्टिकल का, उसी के बेस पे आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर भी कोई चीज़ बची है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।